स्टूडेंट्स होप यू विल बी फाइन द टॉपिक फॉर टूडे डिस्कशन इज स्ट्रक्चर इन सी स्टूडेंट्स स्ट्रक्चर हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है जैसा कि आपको पता है कि सी लैंग्वेज में हमारे पास में दो तरीके के डेटा टाइप्स होते हैं एक हमारे पास में प्रमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं दूसरे हमारे पास में नॉन प्रमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं प्रिमेटिव डेटा टाइप को आप बेसिक डेटा टाइप भी कहते हैं फंडामेंटल डेटा टाइप भी कहते हैं इसी तरीके से जो हमारे पास में नॉन प्रमेटिव डेटा टाइप हैं उसमें हम उनको हम यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप कहते हैं स्टूडेंट्स प्रिमेटिव एक टाइम पे केवल एक वैल्यू को होल्ड करते हैं नॉन प्रिमेटिव डेटा टाइप्स जो होते हैं वो एक टाइम में एक से ज़्यादा वैल्यू को होल्ड कर सकते हैं जैसा कि आपने देखा जो भी हमारे बेसिक डेटा टाइप हैं इंटीजर कैरेक्टर, फ्लोट डबल बोलियन ये सब ये सब एक बार में केवल एक ही वैल्यू को रिसीव करते हैं बट आपने एरे के बारे में स्टडी किया आपने स्ट्रिंग कैरेक्टर एरे आपने बनाई वहाँ पे आपने देखा कि हम एक टाइम में एक से ज़्यादा वैल्यू को सेव कर सकते हैं देखिए जो हमारी एरे है अगर मैं एरे की बात करूं, एरे सिमिलर टाइप के एलिमेंट्स को ग्रुप करने के काम में आती है आपको कहा जाए कि आप टेन स्टूडेंट्स के नेम सेव करिए तो आपने कैरेक्टर एरे बना दी आपको कहा जाए कि ट्वेंटी स्टूडेंट्स के रोल नंबर्स आपको सेव करने हैं तो आपने इंटीज़र एरे बना दी बट अगर आपसे कहा जाए कि आपको स्टूडेंट की डिटेल सेव करनी है आपको उसका नेम सेव करना है आपको उसको रोल uh, नंबर सेव करना है उसके मार्क्स सेव करने हैं तो देखिए यहाँ पर हमारे पास में तीन टाइप का डेटा आ गया नेम रोल नंबर एंड मार्क्स नेम तो स्ट्रिंग में होगा रोल नंबर इंटीजर में होगा और मार्क्स किस में होगा फ्लोट में होगा मीन्स यहाँ पे डेटा क्या है डिफरेंट टाइप का है सिमिलर एलिमेंट्स नहीं हैं अगर हमारे पास में सिमिलर एलिमेंट्स होते हैं तो वहाँ पर हम एरे का यूज़ करते हैं बट यहाँ पर हमारे पास में डिफरेंट टाइप्स हैं मीन्स स्ट्रक्चर इज़ यूज टू ग्रुप डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा आइटम्स और डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा एलिमेंट्स अगर आप एक साथ में इंटीज़र वैल्यू को फ्लोट वैल्यू को करेक्टर वैल्यू को बुलियन वैल्यू को डबल वैल्यू को ग्रुप करना चाहते हैं तो आप वहाँ पर स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे नाउ स्टूडेंट्स सबसे पहले हम एक प्रोग्राम देखते हैं ये जो प्रोग्राम है इसमें हमने क्या किया है सबसे पहले हमने एक करेक्टर एरे बनाई नेम नेम की इसके बाद में हमने एक रोल नंबर वेरिएबल बनाया एक हमने आई वेरिएबल बनाया जो लूप में यूज़ करेंगे एक हमने फ्लोट मार्क्स नेम की एरे बनाई नाउ सबसे पहले हमने क्या किया स्टूडेंट का नेम एंटर किया स्कैनर फंक्शन की हेल्प से उसको सेव किया नाउ रीड किया फिर हमने एंटर रोल नंबर किया देखिए परसेंटाइल एस लिखा है तो एरे का जो नेम होता है वो अपने आप में क्या होता है एड्रेस होता है फ़र्स्ट लोकेशंस का मेमोरी का एड्रेस उसके पास में होता है तो जब आप परसेंटाइल एस लिखते हैं तो आपको यहाँ पे एड्रेस का यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है बट रोल नंबर क्या है आपका इंटीज़र फॉर्मेट में है तो हमने परसेंटाइल डी लिख लिया नाउ अब यहाँ पे मुझे एड्रेस ऑपरेटर का यूज़ करना होगा नाउ स्टूडेंट्स नाउ स्टूडेंट्स इसके बाद हम लूप चलाएंगे और एक पर्टिकुलर स्टूडेंट्स के सब्जेक्ट्स के मार्क्स को यहाँ पे सेव करेंगे फाइव सब्जेक्ट्स हमने लिए हैं फॉर आई इक्वल टू जीरो आई इज़ लेस देन फाइव आई प्लस प्लस एंटर मार्क्स फॉर परसेंटाइल डी सब्जेक्ट आई प्लस वन मीन्स जो भी सब्जेक्ट होगा फर्स्ट लोकेशन पर उसके मार्क्स यहाँ पर सेव कर दीजिए मार्क्स हमने जो वेरिएबल लिया था डैट इज़ ऑफ तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जब ये लूफ फाइव टाइम्स चलेगा ऑल ऑफ द मार्क्स एक पर्टिकुलर स्टूडेंट्स के यहाँ पर सेव हो जाएंगे इसके बाद हमने क्या किया जो जो हमने वैल्यूज़ एंटर की हैं स्टूडेंट का नेम क्या है रोल नंबर क्या है वो तो हमने यहाँ पर प्रिंट कर दिया बट जिस तरीके से हमने सब्जेक्ट्स के मार्क्स को सेव करने के लिए लूप चलाया था उसी तरीके से हम यहाँ पर नंबर को फैच करने के लिए भी यहाँ पे क्या करेंगे लूप चलाएंगे। मार्क्स इन परसेंटाइल डी सब्जेक्ट परसेंटाइल एफ़ आई प्लस वन ठीक है और मार्क्स हो गया आपका आई नाउ स्टूडेंट्स देखिए ये जो हमने प्रोग्राम बनाया ये किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट की डिटेल सेव करने के लिए बनाया है इसमें हम एक स्टूडेंट की डिटेल को यहाँ पर सेव कर रहे हैं नेम रोल नंबर और यहाँ पे हमने क्या किया मार्क्स को सेव किया इसी तरीके से नेम को रोल नंबर को हमने यहाँ पे क्या कर दिया मार्क्स को प्रिंट कर दिया नाउ स्टूडेंट्स ये एक स्टूडेंट के डेटा को सेव करने के लिए तो ये प्रोग्राम सही है तो स्टूडेंट्स ये प्रोग्राम अगर आप किसी एक पर्टिकुलर स्टूडेंट की डिटेल सेव करना चाहते हो तो उसके लिए तो सही है बट आपसे कहा जाए कि आप मल्टीपल स्टूडेंट्स की डिटेल को सेव करिए तो आप कैसे करेंगे तो यहाँ पर यह प्रोग्राम क्या हो जाएगा फेल हो जाएगा तो इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए हमें स्ट्रक्चर को क्रिएट करना पड़ेगा दिस प्रोग्राम इज़ बेटर इफ़ वी वॉन्ट टू स्टोर द डिटेल ऑफ सिंगल एंटिटी बट if we want to store more than one detail student we have to use structure means हमें यहाँ पे structure को use करना पड़ेगा structure में हम different types के data को group कर सकते हैं structure बिल्कुल आपका एक template की तरह होता है template for example आपने notepad में एक प्रोग्राम लिखा तो वो बिल्कुल एक टेम्पलेट है आपने जैसे जैसे डिफाइन किए हैं इंस्ट्रक्शंस उनका एग्जीक्यूशन होगा बट एग्जीक्यूशन तब होगा जब आप उस प्रोग्राम को मेमोरी में लेके आएंगे अदरवाइज़ वो क्या है डमी है तो हमने स्ट्रक्चर बना दिया अब स्ट्रक्चर को यूज़ करने के लिए आपको वहाँ पे स्ट्रक्चर वेरिएबल्स बनाने पड़ते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको टेन स्टूडेंट का डेटा सेव करना है तो मैं यहाँ पर स्टूडेंट नेम का एक स्ट्रक्चर क्रिएट करूँगा और उसके टेन वेरिएबल्स बना दूंगा बाद में लूप चला दूंगा टेन स्टूडेंट्स का डेटा अलग अलग सेव हो जाएगा तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि स्ट्रक्चर बेसिकली हम कैसे क्रिएट करेंगे स्ट्रक्चर को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हमने स्ट्रक्ट की का यूज़ करना होता है इसके बाद में हम स्ट्रक्चर का नेम लिख देते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे नेम स्टूडेंट का सेव करना है तो मैंने यहाँ पे एक कैरेक्टर एरे बना दी इसके बाद मुझे रोल नंबर सेव करना है तो मैंने यहाँ पे रोल नंबर लिख दिया इसके बाद मार्क्स सेव करने हैं तो मैंने यहाँ पे मार्क्स लिख दिया नाउ अब स्टूडेंट्स यहाँ पे सेमी कॉलन लगाना होता है दिस इज द दिनटेक्स अब स्ट्रक्चर वेरिएबल बनाने हैं तो उसका मैं तरीका आपको बाद में बताऊंगा हाउ कैन बी क्रिएट स्ट्रक्चर वेरिएबल्स सबसे पहले हम स्ट्रक्चर की डेफिनेशंस देखते हैं पॉइंट नंबर वन स्ट्रक्चर इन सी इज ए यूजर डिफाइंड डेटा टाइप डेट इनेबल अस टू स्टोर द कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स स्ट्रक्चर एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है जिसका यूज करके जो हमें ये बताता है कि हम डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स को स्टोर कर सकते हैं उनको कलेक्ट कर सकते हैं स्टूडेंट्स ईच एलिमेंट ऑफ ए स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ए मेंबर स्ट्रक्चर इज़ यूज टू स्टोर वेरियस इंफॉर्मेशन स्टूडेंट्स यहाँ पे जितनी भी आपने ये नेम डिसाइड किया है रोल नंबर लिखा है या मार्क्स लिए सब क्या है मेंबर्स हैं इस स्ट्रक्चर के नाउ स्टूडेंट्स स्ट्रक्चर के अंदर हम वेरियस इंफॉर्मेशन को सेव कर सकते हैं जैसा कि आपने यहाँ पे कैरेक्टर में नेम रोल नंबर और मार्क्स स्टूडेंट के सेव किए हैं ऑल द स्ट्रक्चर एलिमेंट आर स्टोर कंटीज़स मेमोरी लोकेशन देखिए जिस तरीके से आपने देखा कि एरे में जो एलिमेंट्स होते हैं वो आपके कंटीजुअस मेमोरी लोकेशंस पर सेव होते हैं इसी तरीके से स्ट्रक्चर के एलिमेंट्स भी कंटीजुअस मेमोरी लोकेशंस पे सेव होते हैं वन बाई वन मेमोरी एलोकेट की जाती है मेमोरी सिक्वेंशली एलोकेट होती है सबसे पहले यहाँ पे टेन लोकेशंस एलोकेट होंगी उसके बाद में रोल नंबर के लिए बाइट्स एलोकेट होंगी उसके बाद मार्क्स के लिए बाइट एलोकेट्स होंगी इट मीन्स यहाँ पर जो भी एलोकेशन होगा वो सिक्वेंशली होगा सारे मेंबर्स के लिए नाउ स्टूडेंट्स एवरी मेम्बर विद इन स्ट्रक्चर इज असाइंड यूनिक मेमोरी लोकेशंस यहाँ पर जितने भी मेम्बर्स होते हैं उन सब के लिए यूनिक मेमोरी लोकेशन्स दी जाती हैं अलग अलग मेमोरी लोकेशन्स दी जाती हैं बट ये मेमोरी लोकेशन सिक्वेंशली अरेंज होती हैं कंटीज़स होती हैं इस्टूडेंट्स चेंजिंग द वैल्यू ऑफ वन डेटा मेम्बर विल नॉट अफेक्ट अदर डाटा मेबर इन स्ट्रक्चर अगर आप किसी एक मेम्बर की वैल्यू को चेंज करते हैं तो दूसरा मेंबर इफ़ेक्ट नहीं होता है उस पर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं आता है फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप नेम में डेटा वैल्यू को सेव कर रहे हैं तो रोल नंबर और मार्क्स पे कोई भी इफ़ेक्ट नहीं आएगा इट इनेबल टू इनिशलाइज़ सेवरल मेंबर्स एडवांस अगर आप ये चाहते हैं कि सारे के सारे मेंबर्स को हम एक साथ में इनिशलाइज़ करें तो वो भी हम स्ट्रक्चर की हेल्प से कर सकते हैं द टोटल साइज़ ऑफ़ स्ट्रक्चर इज़ द सम ऑफ़ द साइज ऑफ़ एवरी डेटा मेंबर। यहाँ पे जो स्ट्रक्चर का साइज़ होता है वो डिपेंड करता है कि स्ट्रक्चर में कितने मेंबर्स हैं स्ट्रक्चर्स के मेंबर्स का जो साइज़ है उसको सम करने के बाद में हमें स्ट्रक्चर का साइज़ मिलता है स्टूडेंट्स फ़ॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे स्ट्रिंग है तो ये टेन लोकेशंस हो गई इंटीजर टू बाइट लेता है फ्लोट आपका फोर बाइट लेता है इट मीन्स यहाँ पर सिक्सटीन बाइट ऑफ मेमोरी एलोकेट होगी स्ट्रक्चर का बेसिकली यूज क्यों किया जाता है स्ट्रक्चर इज वेरी इजी टू मेंटेन। स्ट्रक्चर को हम आसानी से मेंटेन कर सकते हैं एज वी कैन रिप्रेजेंट द होल रिकॉर्ड बाय यूजिंग ए सिंगल नेम यहाँ पर पूरे के पूरे रिकॉर्ड को हम एक साथ में रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी सिंगल नेम के अंडर जैसे आपने लिखा एस टीयू वन अब एस टीयू वन के तीन रिकॉर्ड हैं एक तो उसका नेम है दूसरा रोल नंबर है तीसरा उसके मार्क्स हैं इन स्ट्रक्चर वी कैन पास कंप्लीट सेट ऑफ रिकॉर्ड टू एनी फंक्शन यूजिंग ए सिंगल पैरामीटर सिंगल पैरामीटर हम पास करेंगे और सारा का सारा रिकॉर्ड जो होगा स्ट्रक्चर का वो फंक्शन के लिए पास हो जाएगा फॉर एग्जांपल अगर आप एस वन पास करेंगे किसी फंक्शन में तो फंक्शन में ऑटोमेटिकली स्टूडेंट वन का नेम रोल नंबर और मार्क्स पास हो जाएंगे देखिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट यूज़ है स्ट्रक्चर का वो ये है कि डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ को स्टोर करना मीन्स कलेक्ट करना डिफरेंट डेटा टाइप्स को या फिर वेरियस डेटा टाइप्स को तो स्टूडेंट स्ट्रक्चर एक यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है जिसकी हेल्प से हम डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स को कलेक्ट कर सकते हैं ग्रुप कर सकते हैं होप यू हैव अंडरस्टूड दिस वन थैंक यू वेरी मच